हम लोग पब्लिक सब मिल के ये सोचे, राजापुरवासी चैनपुरवासी, कि इसको फिर से भगवान का राम मंदिर है, इसको फिर से जीवित किया जाए, लोग आवाजाही बढ़े। दिन दहाड़े ताला बंद रहता है तो इसका एक गलत मैसेज लोगों में जाता है। 5 बजे गेट खुलता है तो 12 बजे तक ले खुला रहता है, सब फैमिली आती है पूजा करने के लिए, समझे ना, झूलन तुलन सब होता है। इन्हें लॉकडाउन के चलते 2-3 साल बंद था, लेकिन सारा झूलन उलन होता है, झूलन होता है, जन्माष्टमी होता है, दुर्गा पूजा होता है, सारा चीज होता है यहाँ पर। ये झूठ झूठ सब क्लेम लगा रहे हैं। बात जब आस्था पर चोट की हो तो आक्रोश बढ़ ही जाता है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है पटना के मैनपुरी इलाके में। यहाँ हम सिया बिहारी कुंज ठाकुरबाड़ी में मौजूद है और हमारे पीछे आप दर्जनों लोग देख सकते हैं जो ये लोग आक्रोशित हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ के महंत के द्वारा इन लोगों को पूजा करने से रोका जाता है, आरोप लग रहे हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं और यहाँ लाखों रुपए किराए का आता है, वो सारा अपने जेब में रखते हैं। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि मुद्दा क्या है और क्या मामला है। मैम, मामला आपके सामने है, जहाँ आप खड़ी हैं ये मंदिर है और मंदिर किसी एक के हाथ में नहीं होता, सार्वजनिक होता है। खास करके ये राजापुर का 100 साल पुराना, पूर्वजों द्वारा बनाया गया और ये शान हुआ करता था। अभी ये बहुत जर्जर स्थिति में, हम लोग प्रांगण के बाहर हैं, अंदर का थोड़ा सा आप लोग मुआयना कर लीजिए। मीडिया वाले का धन्यवाद कि इस मैटर को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक सब मिल के ये सोचे, राजापुरवासी चैनपुरवासी, कि इसको फिर से भगवान का राम मंदिर है, इसको फिर से जीवित किया जाए, लोग आवाजाही बढ़े। दिन दहाड़े ताला बंद रहता है तो इसका एक गलत मैसेज लोगों में जाता है। और इस मंदिर में बहुत कार्यक्रम किया जा सकता है, बहुत अच्छा खासा एक परिधि में बना हुआ यह मंदिर है, तो इसका हम लोग बहुत तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, शादी ब्याह से लेके। कब से पूजा पाठ के लिए रोका गया या फिर कब से मनमानी हो रही है? मनमानी या बंद जो रहता है ये गेट, ये तो हमारी शादी को 20 साल हो गए, मैं इधर से अक्सर आती जाती हूँ, तो दिन दहाड़े ताला बंद रहता है। और सुनने में आता है कि बहुत भव्य यहाँ पूजा होता था, सावन में झूला लगता था, 52 तरह का भोग लगता है भगवान को, कभी मौका नहीं मिला। तो हाँ, तो ये चीज़ है कि इस पे एक जो कब्जा शब्द हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं, उनके द्वारा लोगों का आवाजाही नहीं होता है तो उनके अंदर में है, तो इसको सार्वजनिक किया जाए। आप क्या मुद्दा क्या चाहते हैं? हमारा भाई यही मुद्दा है कि जैसे यहाँ पे जो झूला लगता है लोग, कल मैं यहाँ जब गया घर पे, इसका पूरा बात बताया कि मेरी मम्मी बताई कि यहाँ 1 मंथ का झूला लगा करता था सावन में, लास्ट डे 56 भोग लगते थे और लोगों को, पूरे मोहल्ला में लोगों को ये होता था 56 भोग भोज होते थे। हम वही चाहते कि फिर ये जागृत हो। हमने आज तक अभी ये मंदिर में 2 से 3 बार आज आए हैं, ठीक, पता नहीं था, गेट लगा रहता था, मठ जानते थे, ये भी पता नहीं था कि अंदर इतना अच्छा मंदिर है। पूरे मंदिर में नक्काशी की बहुत अच्छी है और ये ऐसा मंदिर है, पहली यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है जो दक्षिण की ओर बैठा हुआ मंदिर है, ठीक, पंचरूपी शिवलिंग है जिसको हम लोग को पूजा करना का, फिर हम चाहते कि फिर स्टार्ट हो, हवन कुंड है, यज्ञ हुआ करता था यहाँ पे पहले, लेकिन वो सब बंद हो गया। हम यही चाहते हैं कि अब फिर समाज वाले लोग को फिर आप दीजिए, हमको कोई से मतलब नहीं, क्या रेंट क्या था वो नहीं, हमें पूजा करने का फिर यहाँ अधिकार हो, हम इसका मरम्मत करवाएंगे हमारे जनता के द्वारा और हम लोग इसको फिर पूजा जागृत करें, इस मंदिर को जनोद्धार हो, जिस तरह राम मंदिर अयोध्या में बना उसे जनोद्धार हम यहाँ पे भी होना चाहते हैं। आप लोग सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर गए तो क्या इस पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई, मतलब किस तरह का बात आप लोग सामने आए? सुबह हमारे गाँव वासी आए, अपना जो है कि यहाँ पे साफ सफाई मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, तो थाना से गाड़ी आई और हम लोगों को सीधा काम बंद करने के लिए हिदायत दे के गया कि आप काम रोक दीजिए। तो समाज का चीज़ है, गंदगी देख के मंदिर में कोई भी सर्वदान करता है, हम लोग भी ग्रामवासी सर्वदान के तौर पे जो है कि यहाँ पे आके साफ सफाई गंदगी जो भी है उसको मेंटेनेंस कर रहे थे, जिसको रोकाया गया है। आखिर प्रशासन की तरफ से रोकने के पीछे का वजह क्या था? अब प्रशासन की इन्फॉर्मेशन कौन दिया, अब तो वही बताएंगे ना, थाना प्रभारी भी आए हैं, आके देखे, जो भी उच्च अधिकारी आके देखे विजन यहाँ पे क्या है, कैसा माहौल है, वो आके देखे और जनता से मिले। अगर ग्रामवासी अगर गलत है तो गलत है, और पुजारी गलत है तो पुजारी उसको है ना, उनके साथ जो भी है सही निर्णय लिया जाए, समाज का चीज़ है, समाज के हवाले किया जाए, हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ रहे वो अपना,
तो आपने देखा कि जिस तरह से लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि पूजा के लिए रोका जाता है, एक आस्था पे चोट किया जाता है, इन सब में हम यहाँ के जो महंत हैं हम उनसे भी पक्ष लेंगे। और देखिए अंदर में जो मंदिर है, सिया राम जी की मंदिर है, लक्ष्मण जी की मूर्ति है, साथ ही साथ हनुमान जी की भी मूर्ति है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि पूजा नहीं करने दिया जा रहा, इसको लेकर के एक खासा आक्रोश देखा जा रहा है। सड़कों पर भीड़ उतर आई है, महिलाओं में भी आक्रोश है, ये लोग भी आस्था से जोड़कर इसको देख रहे हैं। हम इन सब में यहाँ के जो महंत हैं हम इनसे भी बात करते हैं। ग्रामीण की तरफ से लगातार एक बात रखी जा रही है कि इन लोगों की तरफ पूजा नहीं किया जा रहा, ऐसे में हमारे साथ महंत जी की फैमिली है, क्या मुद्दा है मैम? एक तरफ ग्रामीण है, एक तरफ आप लोग हैं। कुछ मुद्दा में नहीं है, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक ले पट बंद रहता है, और 12 बजे से नीचे में मतलब जो 5 बजे गेट खुलता है तो 12 बजे तक ले खुला रहता है, सब फैमिली आती है पूजा करने के लिए, समझे ना, झूलन तुलन सब होता है। इन्हें लॉकडाउन के चलते 2-3 साल बंद था, लेकिन सारा झूलन उलन होता है, झूलन होता है, जन्माष्टमी होता है, दुर्गा पूजा होता है, सारा चीज होता है यहाँ पर, ये झूठ झूठ सब कलेम लगा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ महंत जी की फैमिली है तो दूसरी तरफ ग्रामीण है, ऐसे में अब बात पुलिस प्रशासन की तरफ से ही सामने आएगा कि बात क्या है आखिरकार, कि आखिर इन दोनों के बीच में आखिर क्या मामला है, ये अब प्रशासनिक तौर पे ही अब स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल की इतना ही, बने रहे कशिश न्यूज के साथ।